गुल्ली बुली और शॉन जंगल के रास्ते से घर वापस जा रहे हैं। ये तीनों शाम को दूसरे शहर किसी काम से गए थे, लेकिन वापस आते आते रात हो गई। शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अभी कितना दूर होगा हमारा घर गुल्ली बुल्ली, मैं गाड़ी चलाते चलाते बोर हो गया हूं। गुल्ली कहता है कि शॉन मुझे लगता है कि अभी कम से कम 15 किलोमीटर तो रह ही गए होंगे हमारे घर को, और तुम चिंता मत करो, तुम कहो तो तुम्हें हम कोई गाना वाना सुना देते हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली मुझे तुम्हारा कोई गाना नहीं सुनना, तुम लोग सिर्फ हिंदी गाना ही गाते हो, लेकिन मुझे तो भोजपुरी गाना पसंद है। गुल्ली कहता है कि ये भोजपुरी गाने कब से सुनने लग गए तुम शॉन, तुम तो बड़े तेज निकले। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली ऐसे गाने सुनने से शरीर में ताकत बढ़ती है, मुझे ही देख लो अब 100 हाथियों की ताकत है मेरे अंदर। गुल्ली कहता है कि शॉन क्या बात कर रहे हो तुम, जरा घर पहुंचकर मुझे भी कोई भोजपुरी गाना दे देना, मुझे इसकी ताकत की बहुत जरूरत है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। शॉन कहता है कि गुल्ली जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपनी घर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जरूर हम रास्ता भटक चुके हैं, पता नहीं कौन से रास्ते से होकर जा रहे हैं हम। गुल्ली कहता है कि बस चलते रहो शॉन, अगर रास्ता भटक भी जाए तो आगे किसी से रास्ता पूछ लेंगे हम, चिंता मत करो तुम। शॉन कहता है कि गुल्ली तुम अपने फोन पर गूगल मैप में देखो ना रास्ता। लेकिन अरे ये तो गुल्ली अपने मोबाइल में यहाँ कुछ कर रहा है। गुल्ली कहता है कि तुम ये अपने मोबाइल पर क्या कर रहे हो गुल्ली। गुल्ली कहता है कि बुल्ली मैं विंजो पर गेम्स खेलकर पैसे कमा रहा हूँ, और घर पहुंचने पर इन्हीं पैसों से मैं खाना ऑर्डर करूंगा। गुल्ली कहता है कि वो कैसे गुल्ली, जरा मुझे भी तो समझाओ विंजो से गेम्स खेलकर कैसे पैसे कमा रहे हो तुम। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ विंजो के बारे में। विंजो एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप 100 से भी ज्यादा मजेदार गेम्स खेलकर कमा सकते हो बहुत सारे रुपए। विंजो पर क्रिकेट, शीप बैटल और नाइफ अप जैसे बहुत से गेम्स मौजूद हैं, जिनको खेलकर आप हजारों रुपए कमा सकते हैं, और इन पैसों को आप पेटीएम, यूपीआई या बैंक से इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकते हैं। और केवल गेम्स ही नहीं, यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो, और विंजो के विंजो स्टोर के अंदर से आप बहुत से ब्रांड्स जैसे बिग बाजार, मिंत्रा, हॉटस्टार के डिस्काउंट कूपन्स भी पा सकते हो। तो जल्दी से विंजो ऐप को डाउनलोड कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से, और पाइए 50 रुपए का बोनस कैश बिल्कुल फ्री। गुल्ली कहता है कि ठीक है गुल्ली, घर पे जाके मैं विंजो डाउनलोड करूंगा। तभी शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली जरा वो सामने तो देखो, वहां कोई आदमी खड़ा है, शायद उसे हमारी मदद चाहिए। गुल्ली कहता है कि गाड़ी रोक दो उसके पास चल के शॉन, और चलो हम इससे रास्ता भी पूछ लेंगे। और शॉन उस आदमी के पास गाड़ी ले जाकर रोक देता है। शॉन कहता है कि भाई साहब आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं, ऐसे सड़क पर अकेले रहना सही नहीं है आपके लिए। वो आदमी शॉन से कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है छोटू, मैं अपने घर ही जा रहा था लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ इसको। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम लोग कहो तो मैं इसे लिफ्ट दे देता हूँ, बेचारे की मदद हो जाएगी। बुल्ली कहता है कि अंकल अगर आप हमें रास्ता दिखाने में हमारी मदद करें तो हम आपको आपके घर तक छोड़ सकते हैं, लिफ्ट दे देंगे हम आपको वहां तक। वो आदमी इनसे कहता है कि ठीक है बाबू, मैं पूरा रास्ता बता दूंगा आपको, मेरा घर बस यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, आप मुझे वहीं पर फिर उतार दीजिएगा। और गुल्ली बुल्ली और शॉन उस आदमी को भी अपनी गाड़ी में बैठाकर आगे बढ़ जाते हैं। गुल्ली उस आदमी से अपने घर का रास्ता पूछता है, क्योंकि ये लोग रास्ता भटक चुके थे। वो आदमी गुल्ली से कहता है कि आप लोगों को जहाँ जाना है उसका रास्ता मेरे घर से होते हुए ही निकलता है, मेरे घर के आगे एक हाईवे है, उसी हाईवे से आप अपने घर पर पहुंच पाएंगे। गुल्ली कहता है कि हाँ हमें वही वाला रूट तो ढूंढना था, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। शॉन कहता है कि बूढ़े बाबा आप ये बताइए कि क्या आपके घर कुछ खाने पीने के लिए होगा क्या,
क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं जल्दी से जल्दी कुछ खाना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है कि आप लोगों ने मेरी मदद की है तो मैं आपको भूखे नहीं जाने दूंगा। मेरे घर पे मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स और टॉफीज रखी हैं। घर पहुंचने के बाद वो सारी चॉकलेट और टॉफीज मैं आप लोगों को दे दूंगा। शॉन कहता है कि मुझसे तो और इंतज़ार नहीं होता है गुल्ले बुल्ले, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मुझे चॉकलेट्स कितनी ज़्यादा पसंद हैं। बुल्ली कहता है कि भाई साहब ज़रा हमारे लिए भी लेते आना, पता नहीं ये हमारा दोस्त शॉन हमें कुछ देगा कि नहीं खाने को। वो आदमी कहता है कि बस हम थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं बाबू लोग। और कुछ ही देर में ये लोग उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं। वो आदमी खुशी से कहता है कि यही है मेरा घर बाबू लोग, आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं आप लोगों के लिए अंदर से चॉकलेट और टॉफियां लेकर आता हूँ। शॉन कहता है कि पूरी झोरी भर के लाना बाबा जी, नहीं तो अगली बार से लिफ्ट नहीं देंगे तुम्हें। शॉन कहता है कि अब गाड़ी तुम ही लोग चलाना गुल्ली बुल्ली, तब से मुझे ड्राइवर बनाकर रखा है तुम दोनों ने और खुद आराम से बैठे हो तुम लोग। बुल्ली कहता है कि शॉन तुम हम दोनों से बढ़िया गाड़ी चलाते हो, इसलिए तो हमने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी है। और चलो कोई बात नहीं, इस काम के लिए हम तुम्हें एक्स्ट्रा चॉकलेट्स दे देंगे उस आदमी से लेकर। गुल्ली कहता है कि मैं तो घर जाके भोजपुरी गाना सुनने वाला हूँ बुल्ली, मुझे भी अपनी ताकत बढ़ानी है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली इस आदमी को गए हुए काफी देर हो चुके हैं, अभी तक ये बाहर नहीं निकला। गुल्ली कहता है कि हाँ बुल्ली, कहीं ये हमारे चॉकलेट्स लेकर भाग तो नहीं गया। शॉन कहता है कि मैं तो अपने चॉकलेट्स लेकर रहूंगा गुल्ली बुल्ली, मैं जा रहा हूँ इस घर के अंदर और उससे चॉकलेट्स छीन कर ही लाऊंगा। बहुत चालाक समझता है ये अपने आप को शायद। और गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी से उतर कर अंदर जाने लगते हैं। और जैसे ये लोग दरवाजा खोलकर अंदर गए तो इनके होश उड़ गए। उस आदमी को एक शैतान मार के खा रहा था और लगता है इसीलिए ये आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा था। गुल्ली बुल्ली और शॉन इसका चेहरा देखकर तो और भी डर चुके हैं। वो शैतान जैसे ही गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखता है तो तुरंत इनकी ओर ही कूद जाता है। और गुल्ली बुल्ली और शॉन वहां से भागकर तुरंत बाहर की ओर आ जाते हैं और बाहर का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन अरे ये तो शैतान अंदर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने दरवाजा तोड़ दिया तो गुल्ली बुल्ली और शॉन की खैर नहीं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को यहां से जल्दी कहीं छुपना होगा। गुल्ली कहता है कि वो देखो बुल्ली और शॉन, वहां पर एक सीढ़ी रखी हुई है, चलो एक काम करते हैं, सीढ़ी को दीवार से लगाकर इस घर की छत के ऊपर जाकर छुप जाते हैं, नहीं तो हम मारे जाएंगे। और ये तीनों उस सीढ़ी को दीवार पर लगा देते हैं। गुल्ली कहता है कि पहले मैं चढ़ूंगा बुल्ली और शॉन, बहुत तेज चढ़ लूंगा मैं। और गुल्ली छत के ऊपर आ जाता है। बुल्ली कहता है कि सीढ़ी पकड़े रहना गुल्ली, मैं आ रहा हूं अब। शॉन कहता है कि मुझे जाने दो ना बुल्ली, तुम मुझ जैसे भोले आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। बुल्ली कहता है कि रुक जाओ ना शॉन, मैं देखो अभी कैसे झट से चढ़ जाता हूं ऊपर, फिर तुम आ जाओ उसके बाद। और बुल्ली भी सीढ़ी से ऊपर आ जाता है। शॉन कहता है कि अब मैं आ रहा हूं गुल्ली बुल्ली। लेकिन अरे ये क्या, इधर ये शैतान लगता है ये गेट तोड़ने ही वाला है। शॉन को जल्दी से जल्दी ऊपर चढ़ना ही होगा। गुल्ली कहता है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ शॉन, नहीं तो मारे जाओगे। और शॉन भी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन अरे ये तो इस शैतान ने गेट तोड़ दिया है। और इधर शॉन आखिरकार ऊपर चढ़ ही गया है।
और अरे ये तो मॉन्स्टर इधर बाहर ही आ रहा है, कहीं ये भी सीढ़ी से ऊपर ना चढ़ जाए इनके पास। गुल्ली कहता है कि ये देखो बुल्ली, अच्छा हुआ हम सही समय पे यहाँ छत पे आ गए, नहीं तो अब तक तो हम मारे ही जाते। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम लोगों ने तो मुझे जान से मरवा दिया था लगभग, मुझे एकदम लास्ट में आने दिया तुम दोनों ने और खुद ऊपर सबसे पहले पहुंचाए तुम लोग। गुल्ली कहता है कि कोई बात नहीं शॉन, घर पे पहुंच के इसके बदले मैं तुम्हें 500 रुपये का इनाम दूंगा, टेंशन मत लो तुम। गुल्ली कहता है कि पहले यहाँ से बचने का तो इंतजाम करो तुम लोग, ये शैतान हमारी गाड़ी के पास ही खड़ा है। अरे नहीं, शैतान ने तो गुल्ली की आवाज शायद सुन ली है, और अरे इसने तो सीढ़ी भी देख लिया है, अब न जाने क्या करने वाला है ये इन लोगों के साथ। अरे नहीं, ये तो लगता है कि ये सीढ़ी पे चढ़ने वाला है। शॉन कहता है कि सीढ़ी को गिरा दो गुल्ली बुल्ली, नहीं तो ये हमें छोड़ेगा नहीं, ये ऊपर आने वाला है। और गुल्ली सीढ़ी को ठेल कर नीचे गिरा देता है और ये शैतान नीचे गिर जाता है। गुल्ली कहता है कि हमारे पास भागने का ये अच्छा मौका है शॉन और बुल्ली, देखो वो मॉन्स्टर बेहोश है और हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। बुल्ली कहता है कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है गुल्ली, लेकिन हम यहाँ से उतरेंगे कैसे, वो भी बिना सीढ़ी के। गुल्ली कहता है कि बुल्ली हमें स्पाइडरमैन के जैसे उतरना होगा, वरना हमारा काम तमाम हो जाएगा। बुल्ली कहता है कि ठीक है गुल्ली, लेकिन शॉन तुम उतर जाओगे ना ऐसे। शॉन कहता है कि उम्मीद करो कि मैं बिना हड्डियां तोड़वाए ही उतर जाऊं गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों पहले उतर जाओ उसके बाद मैं आता हूँ। गुल्ली कहता है कि ठीक है शॉन, तुम हमारे पीछे पीछे आ जाना। और इधर गुल्ली बुल्ली तो नीचे आ जाते हैं, लेकिन शॉन डर रहा है। बुल्ली कहता है कि शॉन जल्दी आओ, यही मौका है हमारे पास यहाँ से जाने का। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली अगर मैं यहाँ से गिरा तो मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी। गुल्ली कहता है कि डरो मत शॉन, अगर तुम गिरोगे तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। और शॉन भी नीचे आ जाता है। और शॉन कुछ इधर उधर की आवाज़ मत निकालना। शॉन कहता है कि ठीक है बुल्ली। और ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और बुल्ली गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन अरे ये तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। लेकिन तभी शॉन को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। तो शॉन अचानक से अपने सामने इस शैतान को देखकर डर जाता है और तभी ये शैतान शॉन को पकड़कर ले जाने लगता है। और अरे ये तो शैतान इस कुएं में कूद गया। और इधर ये सब गुल्ली बुल्ली देख रहे थे। गुल्ली कहता है कि ये शैतान तो शॉन को इस कुएं में ले गया बुल्ली, शॉन को लेकर यहाँ इस कुएं में कूद गया वो, तो जल्दी चलो उसके पीछे चलते हैं हम लोग। गुल्ली और बुल्ली उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। बुल्ली कहता है कि वो शैतान शॉन को लेकर इस कुएं में कूद गया है गुल्ली, हमें भी इस कुएं में कूदना होगा, हम शॉन को अकेला उसके साथ नहीं छोड़ सकते। और पता नहीं इतनी तेजी से कैसे वो शॉन को यहाँ से लेकर चला गया। गुल्ली कहता है कि लेकिन बुल्ली क्या पता हम इस कुएं में कूदने के बाद मर गए तो क्या होगा। बुल्ली कहता है कि गुल्ली कुछ भी हो लेकिन शॉन को हम किसी भी तरह अकेला नहीं छोड़ सकते, मैंने शॉन की मम्मी को वादा किया था कि मैं शॉन को कुछ भी नहीं होने दूंगा, अब तो हमें कैसे भी करके उसे बचाना ही होगा। और गुल्ली और बुल्ली दोनों उस कुएं के अंदर कूद जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली को लग रहा था कि कुएं में गिरने के बाद इनकी हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन ये तो लगता है कि ये लोग किसी और ही दुनिया में आ चुके हैं। बुल्ली कहता है कि गुल्ली कुएं के अंदर ऐसी चीज होते हुए मैंने पहली बार देखा है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली हम लोग कुएं के बाहर आ चुके हैं और मुझे तो लगता है कि ये कुआं किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन अब हमें यहाँ पर शॉन को ढूंढना चाहिए, पता नहीं शैतान ने उसके साथ क्या किया होगा। गुल्ली कहता है कि थोड़ा संभल कर चलना होगा हमें बुल्ली,
यहाँ पर कोई भी खतरा हो सकता है। लेकिन तभी इन लोगों को एक पेड़ के पीछे से कोई हलचल महसूस होती है और ये लोग धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाने लगते हैं और ये लोग जाते हुए काफी डरे हुए भी हैं। तभी इन लोगों ने देखा कि वहां तो बस एक बिल्ली है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली डरने की कोई बात नहीं है, ये तो बस यहाँ एक बिल्ली है, वो भी काली वाली। गुल्ली कहता है कि बुल्ली बिल्ली को छोड़ो और चलो शॉन को ढूंढा जाए, मुझे तो अब शॉन के लिए चिंता होने लगी है, कहीं शॉन को वो राक्षस खा ना जाए। बुल्ली कहता है कि तुम चिंता मत करो गुल्ली, हम शॉन को ढूंढ ही लेंगे। और इधर शैतान ने शॉन को पिंजरे में बंद करके रखा है और शॉन बहुत डरा हुआ है। शॉन को अब बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, लेकिन गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं और ये लोग इधर आकर एक जगह छुप जाते हैं। इन्होंने शॉन और शैतान को देख लिया है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली हमें यहां शॉन के साथ साथ शैतान भी दिख गया। बुल्ली कहता है कि गुल्ली हमें यहीं पर छुपे रहना चाहिए, अगर वो शैतान यहां से जाता है तो फिर हम शॉन को तुरंत यहां से लेकर भाग जाएंगे, लेकिन हमसे अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो देख लो वहां पर एक बड़ा सा बर्तन है, वो शैतान हमें जरूर उसके अंदर डालकर पका देगा। और इधर शायद ये शैतान शॉन को धमका रहा है। शैतान शॉन से कहता है कि जितने पैसे तुम्हारी जेब में है वो सारे मेरे हवाले कर दो लड़के, नहीं तो तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा मैं। शॉन कहता है कि शैतान भाईजान, तुमने अगर मुझे ये पहले ही बता दिया होता तो मैं दूसरा पैंट पहनकर आता ना, मेरे इस वाले पैंट में तो जेब ही नहीं है, हर जगह छेद है इस वाले में तो। वो शैतान कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, रुको मैं तुम्हारे लिए दूसरा पैंट लेकर आता हूँ जिसमें जेब होगी और कोई छेद भी नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इसके बाद मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। वो देखो वहां पर मैंने आग पर एक भगोना भी रखा हुआ है तुम्हारे लिए, उसी पर पकाऊंगा मैं तुम्हें। चलो जा रहा हूं मैं अब मसाले वगैरह लेने, और ध्यान देना यहां पर कोई आने ना पाए। और फिर ये शैतान यहां से जाने लगता है। और गुल्ली बुल्ली इसको जाते हुए देख रहे होते हैं। गुल्ली कहता है कि ये शैतान यहां से जा रहा है बुल्ली, तो अब हमें शॉन के पास चलना चाहिए, इससे पहले कि वो शैतान यहां आ जाए हमें शॉन को बचा लेना चाहिए। बुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि हमें एक मिनट बस इंतजार कर लेना चाहिए, क्या पता शैतान तुरंत आ जाएगा तो हमारा क्या होगा वहां, और हमें तो कोई और बचाने भी नहीं आने वाला है, इसलिए सावधानी जरूरी है। लेकिन तभी वो शैतान चलते हुए इनकी तरफ ही आने लगता है और बुल्ली शैतान को देख लेता है और गुल्ली और बुल्ली दोनों छुप जाते हैं। बुल्ली कहता है कि गुल्ली ये शैतान तो यहीं पर खड़ा है, कोई आवाज मत करना। लेकिन तभी ये शैतान दोबारा वापस शॉन के पास जाने लगता है और शैतान शॉन से कहता है कि तुमने यहां पर किसी इंसान को देखा है क्या, मुझे तो लगता है कि यहां पर कोई आया है, तुम सच सच बता दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी खा जाऊंगा। शॉन कहता है कि शैतान ब्रो, यहां पर मैंने किसी को भी नहीं देखा, वैसे भी यहां पर कोई नहीं आ सकता है, और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो, इतना भी भरोसा नहीं है क्या मुझ पे। और ये सुनने के बाद शैतान यहां से दोबारा जाने लगता है और जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली को लगता है कि इस बार शैतान यहां से चला गया है और ये दोनों शॉन को आजाद कराने के लिए जाने लगते हैं। बुल्ली शॉन के पास जाके फौरन कहता है कि शॉन हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, अब हम तुम्हें यहां से लेकर भाग जाएंगे।
शॉन कहता है कि गुल्ली बुली तुम दोनों अपने पीछे तो देखो, वो शैतान तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। गुल्ली और बुल्ली जैसे उस शैतान को अपने सामने देखते हैं तो तुरंत वो दोनों उसके ऊपर कूद जाते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं और फिर वो लोग वहां से भागने लगते हैं और भागते हुए एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। और इधर वो शैतान दोबारा उठ जाता है। लगता है शैतान को अब काफी गुस्सा आ रहा है। शैतान शॉन से कहता है कि तुमको तो मैं बाद में देखता हूं, पहले तुम्हारे उन दोनों साथियों को ठिकाने लगा कर आता हूं और उसके बाद तुम्हारी बारी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? और ऐसा कहते ही वो शैतान गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए जाने लगता है। और अरे ये शैतान गुल्ली बुल्ली की तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन लगता है गुल्ली बुल्ली भी इसके लिए तैयार खड़े हैं। अरे ये तो गुल्ली ने शैतान को बैट से मार दिया और लगता है ये शैतान बेहोश हो चुका है। गुल्ली कहता है कि इसको अभी खत्म कर दो गुल्ली, इसको मारने के बाद चलो शॉन को लेकर यहां से भाग चलते हैं। और तभी गुल्ली उस शैतान को मारने लगता है। गुल्ली कहता है कि चलो अब गुल्ली जल्दी से शॉन को पिंजरे से बाहर निकालते हैं और बिना समय गवाए यहां से निकल चलते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली वापस शॉन की तरफ जाने लगते हैं। बुल्ली कहता है कि इस बार हम तुम्हें बचा लेंगे शॉन, उस शैतान को हमने मार के बेहोश कर दिया है। शॉन कहता है कि जल्दी करो गुल्ली बुल्ली, मुझे अब इस पिंजरे में रहते रहते घुटन होने लगी है। और गुल्ली बुल्ली शॉन को बाहर निकाल लेते हैं। शॉन कहता है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया गुल्ली बुल्ली, मुझे तो लगा था कि आज मेरा ये आखिरी दिन है। बुल्ली कहता है कि अरे शॉन, हमारे रहते हुए तुम किसी और के हाथ से कैसे मर सकते हो, हमें तो आना ही था। शॉन कहता है कि तुम भी ना बुल्ली, बहुत मजाक करने लगे हो। गुल्ली कहता है कि चलो अब हमें यहां से निकलना चाहिए इससे पहले कि वो शैतान वापस जाग जाए। शॉन कहता है कि लेकिन हमें जाना कहाँ है गुल्ली? गुल्ली शॉन से कहता है कि हम लोग यहाँ उस कुएं में कूद कर आए हैं, हमें उस कुएं में दोबारा कूद कर वापस जाना होगा। और फिर ये तीनों वहां से वापस उस कुएं की तरफ जाने लगते हैं। और अरे ये तो इधर शैतान को होश आ रहा है। अरे नहीं, इसने तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को देख लिया है। और गुल्ली बुल्ली और शॉन तुरंत अलग अलग जाकर छुप जाते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि शैतान ने इन सबको देख लिया है। और अरे ये तो शैतान शॉन की तरफ आ रहा है। अरे वाह, ये तो गुल्ली ने अपने बैट से शैतान को नीचे गिरा दिया। और फिर शॉन गुल्ली बुल्ली के पास आने लगता है। शॉन गुल्ली से कहता है कि गुल्ली तुमने तो मेरी जान बचा ली, ये दरिंदा पता नहीं कैसे सिर्फ मेरे पास ही आ जाता है, अगर इसने फिर से मुझे डराने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। गुल्ली कहता है कि शॉन हमें यहां से जल्दी उस कुएं के अंदर जाना होगा, कुएं में कूदते ही हम लोग अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाएंगे। बुल्ली कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गुल्ली, हमें अभी तुरंत उस कुएं के पास चलना चाहिए। और ये लोग वहां से कुएं के पास जाने लगते हैं और ये तीनों उस कुएं के अंदर कूद जाते हैं। और इधर ये तीनों उस कुएं से वापस अपनी दुनिया में चले आते हैं। गुल्ली कहता है कि हाँ
अब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। वहां तो एकदम शैतानी महसूस हो रहा था। शॉन कहता है कि लेकिन गुल्ली मुझे तो वहां एकदम अपनापन सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां की हवाओं में कुछ बात है। गुल्ली कहता है कि शॉन तुम भी तो एक शैतान ही हो, तो तुम्हें शैतानों की दुनिया तो अच्छी ही लगेगी ना। शॉन कहता है कि वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो बुल्ली। गुल्ली कहता है कि अच्छा चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर निकल चलते हैं हम। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली अगर तुम लोग परमिशन दो तो मैं उस आदमी को एक बार देखना चाहता हूँ, क्या पता अभी वो जिंदा हो, और वैसे भी उसने अभी तक हमारी चॉकलेट भी नहीं दी है। गुल्ली कहता है कि ठीक है शॉन, जाओ और जल्दी से अपनी तसल्ली पूरी करके आओ। और शॉन उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाके शॉन देखता है कि वहां तो वो आदमी है ही नहीं, लेकिन वो आदमी यहीं पर तो था। अरे ये तो इधर ये आदमी शॉन के पीछे खड़ा है। अरे ये क्या, ये तो इस आदमी ने शॉन के ऊपर हमला कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शैतान के काटने से ये भी अब शैतान बन चुका है, और अब तो इसने शॉन को काट लिया है। अब क्या होगा शॉन के साथ। और इधर वो असली शैतान भी कुएं के अंदर से बाहर निकल जाता है, और इधर गुल्ली बुल्ली भी अब फंस चुके हैं। इधर ये राक्षस गुल्ली बुल्ली के पीछे ही खड़ा हुआ था, और तभी अचानक से गुल्ली और बुल्ली को पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। गुल्ली कहता है कि क्या ये गुर्राने की आवाज तुम निकाल रहे हो गुल्ली, या कहीं ये आवाज तुम्हारे पेट से तो नहीं आ रही। बुल्ली कहता है कि अरे नहीं नहीं गुल्ली, वैसे मुझे भूख तो जरूर लगी है, लेकिन ये आवाज मेरे पेट से नहीं आ रही। तभी गुल्ली समझ जाता है कि शैतान उनके पीछे ही खड़ा है, और ये गुर्रानी की आवाज शैतान ही निकाल रहा है। और गुल्ली बुल्ली से कहता है कि जल्दी बिना कुछ बोले या पूछे यहां से भागो बुल्ली, वो शैतान हमारे ठीक पीछे ही खड़ा है। और गुल्ली बुल्ली तुरंत उस जगह से भागकर उस कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि इधर वो आदमी जो अब शैतान बन चुका था वो शॉन को काट रहा था। और तभी गुल्ली बुल्ली की नजर उस पे पड़ जाती है। बुल्ली कहता है कि ये कौन है गुल्ली, और ये तो हमारे शॉन को काट रहा है। गुल्ली कहता है कि हमारे शॉन को छोड़ दो शैतान भाई, नहीं तो मार के खा जाऊंगा मैं तुम्हें। मुझे कम मत समझो तुम, जब मुझे भूख लगती है तो मैं तुमसे भी ज्यादा खतरनाक बन जाता हूँ। और ये सुनते ही वो शैतान वाला आदमी शॉन को छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है, और गुल्ली बुल्ली की तरफ देखकर हंसने लगता है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली ये हंस क्यों रहा है, तुमने तो कोई जोक भी नहीं मारा। गुल्ली कहता है कि बुल्ली मुझे तो लगता है कि इसकी अकल हमें ठिकाने लगानी पड़ेगी, ये धमकी सुनकर कॉमेडी समझ रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम लोगों की एक एक बात समझ रहा हूं मैं, शैतान हूं पागल नहीं। बुल्ली कहता है ओरी मैया ये कौन सा शैतान है गुल्ली, ये तो हिंदी बोलता है। गुल्ली कहता है कि भाई साहब एक बात बता दो, बस एक बात बता दो, कहीं तुम हमें तो नहीं मारोगे ना, हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। वो शैतान कहता है कि दोस्ती का हाथ नहीं है ये तो तुम पैर दिखा रहे हो। और अरे ये तो इधर शॉन को होश आ रहा है, और शॉन तो काफी गुस्से में लगता है। और अरे ये तो शॉन ने शैतान वाले आदमी को मार के गिरा दिया, लगता है शॉन आज काफी गुस्से में आ चुका है। गुल्ली कहता है कि अरे गुल्ली ये तो अपना दरिंदा शॉन है, भगवान का शुक्र है कि शॉन अभी जिंदा है, नहीं तो मुझे तो लगा था कि शॉन टपक गया। शॉन कहता है कि शॉन नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, दरिंदा हूं मैं, डरो मुझसे तुम लोग।
गुल्ली कहता है कि शॉन इसको तो मार दिया तुमने, लेकिन बाहर वो असली वाला शैतान अभी भी जिंदा है। हम उसी से तो बच के यहाँ इस कमरे में आए थे, लेकिन यहाँ पर देखा तुम्हारी हालत ही खराब है। शॉन कहता है कि अब हम कब तक ऐसे ही डरते रहेंगे गुल्ली बुल्ली, हमें उसका सामना तो करना ही होगा। अभी ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो बाहर वाला शैतान दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है और इन लोगों को देखकर कहता है कि चलो अब बहुत हो गया चोर पुलिस वाला खेल, अब तुम लोगों को मैं पकाकर खा जाऊंगा, चलो आग जलाने में मेरी मदद करो। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली ये अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग ध्यान मत देना इसकी बातों पर, वैसे मेरे पास एक मस्त प्लान है वो सुनो। गुल्ली कहता है कि जल्दी बताओ शॉन। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली मैं इस शैतान को तब तक संभालता हूँ और तुम लोग गाड़ी में जाकर बैठो, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद मैं भी फटाक से आ जाऊंगा गाड़ी में। बुल्ली कहता है कि ठीक है शॉन, करो जो करना है। और शॉन तभी उस शैतान पर हमला कर देता है। गुल्ली कहता है कि ये शॉन के पास इतनी ताकत और हिम्मत कहां से आ गई है गुल्ली, शॉन तो डरपोक था। गुल्ली कहता है कि बुल्ली तुम्हें पता नहीं है क्या, ये सब बाबा की देन है, रोज सुबह सुबह शॉन बाबा के यहाँ ट्रेनिंग लेने जाता है। और फिर इधर गुल्ली बुल्ली वहां से बाहर निकल जाते हैं और सीधा गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और ये दोनों शॉन का इंतजार करने लगते हैं। और इधर शॉन ने शैतान से लड़ाई जीत ली है और फिर शॉन फौरन गुल्ली बुल्ली के पास आ जाता है। और इन लोगों से कहता है कि गुल्ली बुल्ली मुझे लगता है कि ये शैतान फिर से जिंदा होकर सभी को दोबारा परेशान करेगा, तुम दोनों बताओ इसका क्या करना है। बुल्ली कहता है कि क्यों ना हम उसको उस कुएं में फेंक दें, मुझे लगता है कि उस कुएं की मदद से ही वो यहाँ पर आया होगा। शॉन कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली बुल्ली, चलो चल के उस कुएं में इसको फेंक देते हैं। और फिर ये लोग शैतान को उस कुएं में फेंक देते हैं। और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर यहां से जाने लगते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए।